तो अगर आप भी 10 लाख के प्राइस पॉइंट में एक न्यू कार खरीदना चाहते हैं एंड भाई ये कार वैसी होनी चाहिए जो लाइफ टाइम चले एंड इस कार में फीचर्स, माइलेज, प्राइस, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस सब कुछ बढ़िया हो एंड अभी के टाइम पे आपकी नजर ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, XUV300 एंड नेक्सॉन जैसी कार्स पे है तो मैं आपको कहूंगा जरा रुक जाओ, जरा थम जाओ, क्योंकि मार्केट में XUV300 से भी बढ़िया कार, सोनेट से भी बढ़िया कार होंडा WRV फेसलिफ्ट आने वाली है। अब मैं होंडा WRV फेसलिफ्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कार इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करती थी लेकिन बहुत समय पहले जब लोग ज्यादा सेडान एंड हैचबैक्स पे प्यार दिखाते थे तब ये SUV कार मार्केट में थी, लेकिन फिर इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन अब होंडा वालों ने जब एलिवेट की ज्यादा इतनी मतलब उन्होंने देखा लोग एलिवेट को ले रहे हैं, लोग एलिवेट पे प्यार दिखा रहे हैं, तो वो अब फिर से एक सब 4 कॉम्पैक्ट SUV लाने वाले हैं जिसका नाम होंडा WRV होने वाला है। एंड इस कार की सबसे खास बात बताऊं क्या है, इस कार का प्राइस 8 लाख से लेके 10 लाख के बीच में रहने वाला है। मोटा मोटा ऑन रोड 11 लाख तक चला जाएगा लेकिन उससे ऊपर नहीं चला जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे WRV के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, इस वीडियो की कोई डिटेल मिस नहीं करना क्योंकि भाई ये कार इंडियन मार्केट में जल्दी आने वाली है, उसके बारे में बात करूंगा एंड फीचर्स के बारे में बात करूंगा, मतलब सब कुछ बात करूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट गेट इनटू दिस वीडियो। तो पहले अगर हम इस कार के प्राइस के बारे में बात करें तो वो तो मैंने आपको बता दिया, 8 लाख से लेकर 11 लाख तक इस कार का प्राइस रहेगा एंड उसके साथ साथ इस कार में आपको जो एक्सटीरियर है वो काफी ज्यादा शार्प, काफी ज्यादा बोल्ड एंड काफी ज्यादा बल्की देखने को मिलेगा, जिसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, LED फॉग लैम्प देखने को मिलेंगे, डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मतलब DRLs देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ एक स्पेशल यानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्रेसिव ग्रिल देखने को मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा, 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे फ्रंट में एंड उसी के साथ साथ आपको इस कार में पार्किंग गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी, वो भी फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा के साथ। ये तो बात की हमने इस कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा प्रीमियम है, मुझे तो ठीक ठाक लगी। बात करें इस कार के रियर प्रोफाइल के बारे में तो रियर में आपको इसमें LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे कनेक्टेड वाले, जो कि आपको पता ही होगा अभी के टाइम पे ट्रेंड बन गया है, हर कोई कार दे देती है तो इस कार में भी आपको ये मिलेगा। आप मुझे बता क्या आपको ये अच्छा मतलब लगता है प्रैक्टिकल फीचर, एज अ बायर आपको ये अच्छा फीचर लगता है, आप हमें कॉमेंट में जरूर से बता देना यार, बता देने से हमें भी पता चलता है कि भाई बायर की क्या पसंद है और उसके रिलेटेड हम वीडियोस फ्यूचर में भी लाया करेंगे। एंड उसके साथ साथ आपको इसमें रियर वाइपर, डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस जैसे फीचर्स कॉमन जो है वो मिलेंगे, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं किया जाएगा और बस कॉस्मेटिक चेंजेस रखे जाएंगे जिससे एक कार थोड़ी डिफरेंशिएट हो दूसरी कार से। सेफ्टी में क्या कुछ मिलेगा, 6 एयरबैग्स मिलेंगे, TPMS मिलेगा, हिल होल्ड मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा, ESP मिलेगा, ABS मिलेगा, EPD मिलेगा, मतलब और क्या चाहिए भाई, 8 और 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में और क्या चाहिए, 380 लीटर की बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलेगा, बट सनरूफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सनरूफ इतना प्रैक्टिकल फीचर नहीं है भाई, मतलब मुझे नहीं लगता सनरूफ इतना प्रैक्टिकल फीचर है, मतलब सनरूफ का काम भी अब वैसा नहीं रहा, सनरूफ के मजे तब आते हैं जब कार 1-2-3 करोड़ की हो, लेकिन इस कार में सनरूफ मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल फीचर है या नहीं, मुझे तो मैं अपना सब्जेक्टिव व्यू बता रहा हूँ, आप अपना मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है सनरूफ एक प्रैक्टिकल फीचर है या नहीं, कमेंट में जरूर से बताना भाई, प्लीज इसके रिलेटेड कमेंट करना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। एंड उसी के साथ साथ बात करें इस कार के इंजन ऑप्शन के बारे में तो ये कार पेट्रोल वाले ऑप्शन के साथ आएगी, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहेगी, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 121 BHP की पावर एंड 145 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। बात करें इस कार के इंटीरियर के बारे में तो इंटीरियर इस कार का अच्छा खासा रहने वाला है, मतलब इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, बेस्ट है। आपको इसमें 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, फुल्ली TFT ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब सेमी ड्राइवर डिस्प्ले नहीं मिलेगा, फुल्ली TFT ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, इलेक्ट्रिकली लेदर सीट्स देखने को मिलेंगी, मतलब लेदर सीट्स तो होंगे ही, वो भी इलेक्ट्रिक होंगी, ऑटोमेटिक AC मिलेगा, क्लाइमेटिक कंट्रोल मिलेगा, ट्रिपल जोन AC मिलेगा, रियर में AC मैट्स मिलेंगे, चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे, कप होल्डर मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ इस कार के जो अपहोस्ट्री है वो लेदर में रहेगी टॉप मॉडल तक, जो कि मैं आपको बता रही कि फैब्रिक में रहेगी बेस मॉडल तक, जो कि ठीक ठाक है, मतलब फैब्रिक में भी अब कार दे रही है तो और इसमें क्या ही चाहिए। प्राइस के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया 11.5 लाख का इस कार का टॉप मॉडल होगा एक शोरूम तक एंड 8 लाख तक आपको इस कार का बेस मॉडल देखने को मिल जाएगा या उससे भी कम मिल सकता है, लेकिन 7 लाख से लेके 12 लाख का मोटा मोटा ऑन रोड लगा लो, इतने में कार आने वाली है एंड काफी ज्यादा अच्छी कार है, मतलब भाई होंडा वालों ने जब से एलिवेट की जो पॉपुलैरिटी देखना, अगर एलिवेट के देखना कौन से अभी वेरिएंट्स बिक रहे हैं तो एलिवेट के बेस मॉडल के वेरिएंट्स बिक रहे हैं एंड यहाँ पर होंडा वालों के हिंट लग गए कि भाई
यहाँ पर जो इंडिया पीपल है वो एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा उनको कम होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये दाव खेला और ये आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आपको जो बेस मॉडल है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा। तो फाइनली बात करें इस कार के प्राइस के बारे में, तो वो तो मैंने आपको बताया। एंड लॉन्च के बारे में बात करें तो अप्रैल 2024 यानी कि आने वाले 3 महीनों में आपको ये कार भारतीय बाजार में लॉन्च होती हुई नजर आएगी। एंड डेफिनेटली ये नेक्सॉन सोनेट XUV300 को सेल्स कम तो करेगी ही करेगी, क्योंकि कार जब इतने कम प्राइस ब्रैकेट में आएगी तो डेफिनेटली उन कार्स की तरफ लोग ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे एंड इस कार की सेल्स ऑटोमेटिकली अप होगी। अगर आपको इस कार पे एक और एक वीडियो चाहिए या फ्यूचर में कुछ और वीडियो चाहिए स्पेसिफिक कार पे, तो वो भी आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखना, ताकि फ्यूचर में जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे एंड आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिले। करते हैं इस वीडियो को वाइंड अप, बाय बाय, टिल लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में।